गए थे पैसे मांगने, पर यहां भी उतर गए तयमंद। उम्मीद तो यही थी कि आईएमएफ के लिए काम कर चुका पाकिस्तान का वित्त मंत्री हाफिज शेख पाकिस्तान के लिए दान दक्षिणा का प्रबंध कर देगा, मगर लंदन में जो हुआ पाकिस्तान उसे छुपाने के चक्कर में खुद ही शर्मसार हो गया है। आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक ने हाफिज शेख को आईना दिखाते हुए साफ बोल दिया है कि पहले पुराना कर्ज चुकाइए, उसके बाद अगले कर्ज के बारे में बात करें। बड़ी बात यह है कि आईएमएफ ने हाफिज शेख को आगाह भी किया है कि यदि पिछले कर्ज को जल्दी से नहीं चुकाया गया और टैक्स स्लैब में बढ़ोतरी नहीं की गई तो पाकिस्तान को अगली किस्त नहीं मिलेगी। वर्ल्ड बैंक ने भी स्पष्ट कर दिया है कि पाकिस्तान में विदेशी निवेश शून्य स्तर की तरफ बढ़ रहा है, एक्सपोर्ट 6% पर आ गया है, आयात घाटा लगातार बढ़ता जा रहा है। पाकिस्तान साबित करे कि वह वर्ल्ड बैंक से मिलने वाले कर्ज को किस प्रकार चुकाएगा। आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक के नेतृत्व ने कहा है कि पाकिस्तान ने हद से ज्यादा कर्ज ले लिया है, उसकी जीडीपी का 50% कर्जों का सूद चुकाने में जा रहा है। पाकिस्तान की हुकूमत कर्जों की अदायगी नहीं कर पा रही है, यदि पाकिस्तान को और अधिक कर्ज दिया गया तो इससे देश के हालात बिगड़ने की मुश्किल हो सकती है। पिछले 5 साल में पाकिस्तान की एक्सपोर्ट में कोई भी इजाफा नहीं हुआ है। पाकिस्तान की सरकार बिजनेसमैन को जो इंसेंटिव दे रही है वह भी पर्याप्त नहीं है, पर मामला यहां तक नहीं है। भीख का कटोरा उठाए अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं के पीछे भाग रहे पाकिस्तान के कटोरे खाली के खाली हैं। आज डॉलर ने 156.15 रुपए पर पहुंचकर पाकिस्तान के झाग बिठा दिए। इधर इमरान खान इस उम्मीद में थे कि अपने रिश्तों का फायदा उठाकर हाफिज शेख लंदन से कोई खुशखबरी लेकर लौटेंगे, पर हाफिज शेख तो खुद ही आईएमएफ की भाषा बोलते हुए इमरान सरकार को नसीहत देते नजर आए। उन्होंने कहा कि इतने ज्यादा कर्ज लेने के बाद पाकिस्तान द्वारा और कर्जों की मांग करना ही बेहूदगी है। हाफिज शेख पाकिस्तान के वही वित्त मंत्री हैं जिन्हें आईएमएफ ने पाकिस्तान में प्लांट किया है। गौरतलब है कि आईएमएफ ने मई 2019 में पाकिस्तान को $6 अरब के बेल आउट पैकेज की घोषणा की थी, जिसके बाद पाकिस्तान को 94,000 करोड़ रुपए के लगभग पहली किस्त आईएमएफ की तरफ से जुलाई माह के दौरान दी गई थी, मगर यह रकम भी पाकिस्तान ने सूद के रूप में चुका दी है, जिसके बाद पाकिस्तान फिर से अगली किस्त को जल्दी से हासिल करने के लिए जोड़ तोड़ के प्रयास कर रहा है। पाकिस्तान का मुद्रा रिजर्व भंडार अभी भी $8 अरब पर टिका हुआ है। खास बात यह है कि सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात ने तेल उधार में देने से भी हाथ खींच लिए हैं, जिसके बाद पाकिस्तान की मुसीबत और ज्यादा बढ़ गई है। सऊदी अरब इमरान खान की बकलोली से इतना परेशान है कि उसने 2 दिन पहले ही पाक के साथ उस महत्वपूर्ण समझौते को भी तोड़ दिया है, जिसमें 2100 पाकिस्तानी कैदियों को सऊदी की जेलों से रिहा किया जाना था। पाकिस्तान अपने इस पुराने इस्लामिक मित्र देश के बर्ताव से सख्ते में है। अब दिक्कत यह है कि वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ के पलटी मारने से पाकिस्तान अगर चीन के पास जाता है तो वह इसके एवज में पाकिस्तान से कराची एयर का संचालन संभाल सकता है। जानकार बताते हैं कि चीन की गिद्ध दृष्टि गवादर पोर्ट से हटकर अब कराची पोर्ट पर टिक गई है। कराची पोर्ट एशिया के बड़े व्यापारिक पोर्ट में शुमार होता है। अब चीन की चाल यही है कि पाकिस्तान में भारी निवेश के बहाने कराची पोर्ट को कब्जाया जाए। चर्चा यही है कि चीन ने एफएटीएफ में पाकिस्तान का साथ भी इसीलिए दिया है, वह नहीं चाहता था कि एफएटीएफ में पाकिस्तान ब्लैकलिस्ट हो जाए, इससे चीन पाकिस्तान को कर्ज नहीं दे पाता। चौंकाने वाली बात यह है कि इमरान खान अभी तक चीन से $3 अरब का कर्ज ले चुके हैं, पर अब वह भी चीन से और कर्ज लेने को तैयार नहीं है। उन्हें भी यह महसूस हो रहा है कि चीन से कर्ज लेना महंगा पड़ सकता है, पर समस्या यह है कि पाकिस्तान को कर्ज देने वाली संस्थाएं और अन्य देश के दरवाजे बंद हो रहे हैं। ऐसे में चीन ही एकमात्र विकल्प बचता है। सवाल तो यह भी उठ रहे हैं कि क्या चीन अपने प्रभाव का इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान को घेर घोट कर अपने ही दरवाजे पर ला रहा है। पर फिलहाल तो पाकिस्तान आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक से कसरी पर झाड़ू लगवाकर लौट आया है। उसकी उम्मीदें इन्हीं संस्थाओं पर ज्यादा टिकी है, मगर यहां से मिलने वाली मायूसी उसे अब बेहद भारी पड़ने वाली है।
आशा है दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा, आपसे शीघ्र भेंट होगी, तब तक के लिए अनुमति दीजिए। जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।